प्रदेश में चल रही हीट वेव के चलते दिल के मरीजों के लिए खतरा बढ़ गया है, जहां 45 डिग्री से भी ऊपर जा चुका है तापमान में हार्ट पेशेंट के लिए ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज बत्रा ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। क्या कुछ एहतियात बरतने की बात वो करते नजर आए, सुनिए। प्रदेश में लगातार हीट वेव का असर देखा जा रहा है और ऐसे में हीट वेव से हीट स्ट्रोक की भी कई घटनाएं घट रही हैं। हमारे साथ में बत्रा हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं पंकज बत्रा जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से गर्मी का असर देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसमें हार्ट अटैक के भी पेशेंट बढ़ रहे हैं, क्या वजह लगती है आपको, किस तरह से देख रहे हैं? नमस्ते। हाँ, हमने गर्मियों में देखे हैं कि अभी पिछले दिनों में हार्ट अटैक के पेशेंट और हार्ट के पेशेंट डिटोरेट हुए, अनस्टेबल हो गए। उसका मुख्य कारण है कि गर्मी में पसीना ज़्यादा आना, जो गर्मी में काम करते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाना, स्पेशली अगर वो हार्ट के पेशेंट थे, पहले से दवाइयाँ खाते थे, जिसको पेशाब ज़्यादा आता है, डायबिटिक्स, उनमें ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की वजह से हार्ट की रिदम बिगड़ गई या एंजाइना हुआ है, ये मुख्य कारण है। ये तो आपने बताया जो मुख्य कारण है, ऐसे में बचाव कैसे किया जा सकता है? हॉस्पिटल अगर ना पहुंचे कोई, उससे पहले ही बचाव करना चाहे, पहले तो गर्मी से बचना चाहिए। अगर गर्मी में बाहर जाना ही पड़े तो हल्के कपड़े, सूतीदार कपड़े, कैप पहन के जाएं, पानी पी के जाएं, थोड़ा थोड़ा देर में पानी पीते रहें कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस ना हो। और अगर एक्सरसाइज भी करनी है तो हॉट एनवायरनमेंट में ना करें, जब मौसम सुहाना हो तब करें। और अपनी कार्डियक पेशेंट अगर है पेशेंट, तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी कार्डियक दवाइयों को एडजस्ट करवाएं, डोज कम करनी है तो डोज कम करवाएं। सिम्टम्स की बात करें, चूंकि गर्मी लगातार है और ऐसे में पसीना आना स्वाभाविक है, घबराना भी स्वाभाविक सा लगता है, क्या सिम्टम्स हैं ऐसे जो जिन्हें हॉस्पिटल जाना ही जरूरी है? फिर छाती में भारीपन, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, या छाती में जलन होना जिसको हम गैस मान लेते हैं, या जबड़े पे दर्द, हाथों में दर्द, या चक्कर आना, बेहोशीपन आना, कमजोरी लगना, ये सब हार्ट के सिम्टम होते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए या जाना चाहिए हॉस्पिटल? बिल्कुल जरूर, अगर आपको कोई सिम्टम हो रहे हो जो आपको लग रहा है कि कल तक नहीं हो रहे थे, एनी अनएक्सप्लेन सिम्टम मस्ट बी टेकन केयर बाय अ कार्डियोलॉजिस्ट। जैसा जिक्र आप कर रहे हैं कि गर्मी की वजह से पेशेंट बढ़े हैं, कितने परसेंट इजाफा ऐसे पेशेंटों का हुआ है? देखो, एग्जैक्ट परसेंटेज बताना कठिन है, बट पिछले 1-1.5 महीने में हमने ठीक ठाक पेशेंट देख लिए जो स्टेबल चल रहे थे। जैसे ही गर्मी बढ़ी वो हमारे पास आ गए कि उन्हें कोई ना कोई दिक्कत हो रही थी, चाहे धड़कन बढ़ जा रही थी, चाहे धड़कन कम हो रही थी, छाती में भारीपन हो रहा था, जलन हो रही थी, उनकी संख्या बढ़ गई है हमारे बहुत पेशेंट्स की। हेल्थ डिपार्टमेंट भी लगातार एडवाइज कर रहा है, एडवाइजरी जारी की कि गर्मियों में 11 से 4 बजे तक अगर बेहद ज़रूरी ना हो तब घर से बाहर ना निकलें, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक, वही हो गया कि अवॉइड हीट, अगर आपको बाहर जा रहा है तो अवॉइड करें 11 से 4, और मजबूरी भी पड़ जाए तो पानी पी के जाओ, थोड़ा थोड़ी देर में पानी पियो, सूती कपड़े पहनो, हल्के कपड़े पहनो, और अपना छांव में रहो। एक सवाल और है, चूंकि डॉक्टर साहब, जिस तरह से अगर हीट स्ट्रोक या कुछ इस तरह की कोई बीमारी होती है तो अमूमन जो गरीब लोग हैं वो कई बार सरकारी अस्पताल की तरफ रास्ता रुख करते हैं, लेकिन प्राइवेट निजी अस्पतालों में इसलिए डरते हैं कि वहाँ महंगे बिल होंगे, क्या इसको लेकर कैसे देख रहे हैं? देखो, प्राइवेट में सरकारी के मुकाबले तो बिल ज़्यादा होते ही हैं, बट सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत महंगे हैं, जो आपकी जेब के बाहर है ऐसा भी नहीं है। आज की डेट में प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कैटेगरीज बन गई हैं, इवन NABH ने कैटेगरीज बना दी हैं कि किसी को ए ग्रेड बोल दिया, किसी को बी ग्रेड बोल दिया। मैं बी ग्रेड को ये नहीं बोलना चाह रहा कि वो किसी तरह क्वालिटी में कम है, बट मापदंड के हिसाब से करनी है। उसी तरीके से एक इलाज का खर्चा एक हॉस्पिटल में अगर 3 लाख है तो दूसरे में 2 लाख भी होता है, किसी में 1.5 लाख भी होता है, तो मरीज अपनी जेब के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार ऐसे हॉस्पिटल चूज कर सकता है। और आज की डेट में हेल्थ फैसिलिटीज इवन हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज बत्रा, जो साफ तौर से बता रहे हैं कि किस तरह से हीट स्ट्रोक और गर्मियों में जो हार्ट पेशेंट हैं वो बढ़ रहे हैं, और ऐसे में जो लक्षण बताए जा रहे हैं, अगर ऐसे लक्षण मरीज में दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।